रेडमी नोट 4 के लिए सुपीरियर OS का एक अनऑफिशियल एंड्रॉयड 12 बिल्ड आया हुआ है। हालांकि ऑलरेडी एक एंड्रॉयड 12 का बिल्ड का रिव्यू कर रखा, उसी के अंदर आपको इंस्टॉलेशन भी मिल जाएगा, तो इंस्टॉलेशन आप उस पर देख लेना। बाकी रोम और GApps आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ये अदर मेंटेनर का है और पिछला वाला अदर मेंटेनर का था, लेकिन फिर भी पिछले वाला आप देख लेना अगर आप जिनको फुल रिव्यू देखना होगा, क्योंकि उसके मुकाबले जो भी चेंजेस हुए उसके बाद तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सुपीरियर OS रोम है ये और एंड्रॉयड 12 पे रन करता है। वहीं सिक्योरिटी पैच की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फरवरी 2022 का पिछला जो अदर मेंटेनर का था उसमें जनवरी 2022 का सिक्योरिटी पैच था, और कर्नल हालांकि दोनों में सेम ही है लेकिन ये जो है फ्यूजन का आपका अपडेटेड है पिछले वाले से, तो यहाँ पे अपडेटेड मिल जाता है। सेलिनक्स इन्फोर्सिंग है पहले की तरह। एनाग्राम में यहाँ पे चलते हैं इसके नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर में, तो यहाँ पे जो है हमारा हॉटस्पॉट अच्छे से काम कर रहा है, तो इसके अंदर दिक्कत वैसे नहीं मिलने वाली है। और कनेक्टेड डिवाइस के अंदर ब्लूटूथ टाइम आउट ये सब पहले से था पिछले में, आप देख लेना। बाकी यहाँ पे कास्ट वर्किंग है तो कास्ट का भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एंड सुपीरियर गुडिक्स में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं इसके कस्टमाइजेशन के अंदर में, तो यहाँ पे आपको जो है मोनेट पहले मिलता था लेकिन नीचे सारे ऑप्शन उसके मिल जाते थे, अंदर नहीं था पहले इस तरीके से, तो अब अंदर में मिलता है। और यहीं पे अब जो है यूज़ ब्लैक थीम भी न्यू देखने को मिल जाएगा जो कि पहले नहीं था। एंड यहाँ पे हेडलाइन बॉडी फॉन्ट्स पहले की तरह है, पहले भी प्रीव्यू मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे आइकन पैक के अंदर में आपका आउटलाइन वाला और यहाँ पे पुई वाला ये दोनों जो है यहाँ पे आपके आइकन पैक न्यू मिल जाते हैं, पहले नहीं थे। बाकी सिग्नल आइकन स्टाइल पूरा का पूरा न्यू है, ये पहले नहीं था। और वाईफाई आइकन स्टाइल भी न्यू है, और लेकिन यहाँ पे आइकन शेप जो दिया गया है ये हालांकि पहले से ही था, लेकिन यहाँ पे आइकन स्टाइल जो सिग्नल के ये सब जो है न्यू है। स्टेटस बार के अंदर में कंबाइंड सिग्नल आइकन न्यू है, कलर स्टेटस बार आइकन न्यू है। कंबाइंड सिग्नल से आपका सिग्नल आइकन हाइड हो जाता है, इनेबल करते ही डिसेबल करोगे हट जाएगा आ जाएगा। एंड कलर स्टेटस बार आइकन ये दो ऑप्शन यहाँ पे न्यू मिल जाते हैं। एंड वोल्टेज आइकन ये सब पहले से था, बैटरी स्टाइल जो है ये भी पहले से था, तो पिछली वाली आप देखोगे तो सब आपको उस पर पता चल जाएगा। बाकी ट्रैफिक इंडिकेटर भी अच्छे से काम कर पहले से है। क्विक सेटिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे फिलहाल आपको एक चेंज मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कि लास्ट में बिल्कुल आपको आर्टवर्क मीडिया बैकग्राउंड का एक ऑप्शन था वो रिमूव है, बाकी जितने भी ऑप्शन अभी देखने को मिल रहे हैं ये सब पहले के ही हैं। और बटन में चलते हैं तो यहाँ पे पहले प्लेबैक कंट्रोल का जो था ये ऑप्शन, ये पहले म्यूजिक कंट्रोल के नाम से था लेकिन अभी प्लेबैक कंट्रोल के नाम से। और डिसेबल हार्डवेयर बटन भी यहाँ पे न्यू ऐड हुआ, ये पहले नहीं था, लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कत आप देख सकते हो, ये डिसेबल हो चुका है लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल इनेबल हो चुका है, लेकिन जो है ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल डिसेबल ही दिख रहा है, यानी कि आपका हार्डवेयर बटन यहाँ पे डिसेबल हो चुका है इसके अंदर में, उस बटन को इनेबल होना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक बार सिस्टम UI को रिस्टार्ट करना पड़ेगा तभी वहाँ पे वो शो करता है। तो अभी आपको चल के दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे सिस्टम UI को एक बार रिस्टार्ट किया हूँ, अब आपको सेटिंग में चल के डायरेक्ट दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो यहाँ पे बटन में ये ऑप्शन आप देख सकते हो इनेबल हो चुका है, जिससे हमारा हार्डवेयर बटन डिसेबल हो चुका है यहाँ पे अब, तो ये अब देख सकते हो अब यहाँ पे इनेबल अभी दिखा रहा है जबकि हार्डवेयर बटन हमारा यहाँ पे ऑन हो चुका है, डिसेबल कर चुके हैं वहाँ से, तो ये दिक्कत थोड़ी सी यहाँ पे है। बाकी तो यहाँ पे हार्डवेयर बटन लाइट का बग रहेगा और पिछले वाले में भी था हार्डवेयर बटन लाइट का बग। एंड यहाँ पे नेविगेशन में चलते हैं तो हालांकि इस बार हमें जो है ऑप्शन के मामले में अगर हम देखें यानी कि फीचर्स क्या ऐड हुआ, तो यहाँ पे फुल स्क्रीन जेस्चर ऐड हुआ है लेकिन ये काम नहीं कर रहा। पिछले में बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता था लेकिन इस बार बाय डिफॉल्ट आपको डिसेबल देखने को मिल रहा है यहाँ पे अदर मेंटेनर के इस बिल्ड में। फिलहाल वो अदर मेंटेनर का बिल्ड था जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया। एंड जेस्चर में चलते हैं तो सिस्टम सेटिंग्स में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे जो है एडिप्टिव प्लेबैक न्यू मिल जाता है और ये सब ऑप्शंस आपके पहले वाले हैं, लेकिन जो लास्ट में अम्बिन डिस्प्ले है ये भी यहाँ पे न्यू मिल जाता है, ये भी पहले नहीं था। और थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट पहले की तरह बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, डिलीट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और नीचे भी तीन ऑप्शन आपके सेम पहले वाले रहेंगे, इनमें भी कोई चेंज नहीं है। और लॉक स्क्रीन के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे चार्जिंग इन्फो पहले से था लेकिन यहाँ पे फोर्स स्मॉल क्लॉक न्यू ऐड हुआ है, जिससे लॉक स्क्रीन क्लॉक को आप छोटी या बड़ी कर सकते हो, जो बाय डिफॉल्ट बड़ी रहती है तो उसे आप छोटी कर सकते हो और ऑफ कर दोगे तो आप इससे बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके जो है ये आपका यहाँ पे दिया गया। हालांकि मीडिया आर्ट अब मिल जाता है, पहले 100 मीडिया आर्ट के नाम से देखने को यहाँ पे मिलता था, ब्लर कंट्रोल करने के लिए भी था। एंड पावर मेन्यू तो नॉर्मल ही रहेगा यहाँ पे फिलहाल। एंड अगर हम बात करें इसके नोटिफिकेशन के बारे में तो नोटिफिकेशन में यहाँ पे नोटिफिकेशन हेडर का ऑप्शन न्यू ऐड किया गया है, बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो सब पहले वाले हैं। और मिसलेनस पिछले में क्या था कि पिछला जो अदर मेंटेनर का बिल्ड था उसके अंदर मिसलेनस बिल्कुल खाली था, कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे रिपल इफेक्ट मिल जाता है जिससे हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन को ऑफ कर सकते हैं। ये जो है नोट 4 के अंदर ऑफ ही रखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा नोट 4 डिवाइस जैसे के लिए। फिलहाल तो यहाँ पे आप तो यहाँ पे अगर इनेबल रहता है तो उसमें थोड़ा लैगिंग भी देखने को मिलता है एनिमेशन में, आप देख सकते हो, तो हो सके तो ऑफ रखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और गेम स्पेस भी यहाँ पे जैसे कि आप न्यू देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस लेवल ये सब भी देखने को मिल जाता है, तो गेम आपका जो स्पेस गेम स्पेस सेटिंग्स है बाकी की तरह रहेगा और गेम लिस्ट से जो है आप अपने गेम को ऐड कर सकते हो, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
एंड बैक करके चलते हैं ऐप्स की तरफ। तो हालांकि इसके अंदर आपको जो ऐप यानी कि लॉन्चर जो मिलता है सुपीरियर वाला है, लेकिन पहले के मुकाबले काफ़ी चेंज है। पहले सिर्फ 2 से 4 ऑप्शन रहते थे, लेकिन अभी यहाँ पे गूगल सर्च बार हो गया या थीम आइकन हो गया, ये सब भी देखने को मिल जाता है। हालांकि थीम आइकन से सिर्फ आपका जो सर्च बार है उस पर आपको थीम अप्लाई मिल जाएगा, एंड यहाँ पर आपका जो आइकन साइज़ है, फॉन्ट साइज़ है, ये सब भी मिल जाएगा। डबल टैप जेस्चर भी दिया गया है, ये सब मिल जाता है जो कि उस टाइम पे उतने नहीं थे। और नोटिफिकेशन के अंदर हालांकि सिमिलर ही है, बस यहाँ पे अलाउ फेस अनलॉकिंग का एक ऑप्शन ऐड किया गया और स्किप यहाँ पे लॉक स्क्रीन, ये दोनों ऑप्शन जो है मिल जाते हैं न्यू हालांकि, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब चलते हैं बैटरी के अंदर में। तो बैटरी में भी वैसे सेटिंग में आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, पूरी की पूरी सेटिंग्स आपको सेम मिल जाती बैटरी की। लेकिन बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 82% बैटरी मिली है, और पिछले जो उस टाइम पे जो अदर मेंटेनर का था उसमें 78% है, तो उससे मुकाबले अगर देखोगे तो थोड़ी सी बैटरी बेटर हुई है यहाँ पे। साउंड में चलते हैं, तो साउंड के अंदर बस यहाँ पे आपका एक तो मीडिया आपका चेंज मिल जाएगा, यानी कि मीडिया प्लेयर का जो लेआउट है अब लेटेस्ट वाला देखने को मिल जाएगा। वैसे जियो सावन भी इसके अंदर अच्छे से काम कर रहा है, इन यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हो बिल्कुल लेटेस्ट आउट के साथ, हल्के फुल्के इसके ब्रांड जो स्लाइडर है वॉल्यूम स्लाइडर उसमें हल्के लैग्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी हल्के से हैं, बाकी तो ऐसे ही जो है अच्छा काम कर, इसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं आती है। और जियो सावन भी वैसे अच्छे से काम कर रहा था, दोनों का यहाँ पे एक साथ बता दे रहा हूँ, जियो सावन भी काम कर रहा है, मीडिया प्लेयर बिल्कुल आपको लेटेस्ट लेआउट के साथ मिलता है। बाकी के ऑप्शन यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट साउंड तक सेम मिल जाता है, लेकिन ड्रेक साउंड यहाँ पे देखने को मिल जाता है, उसमें नहीं था, हालांकि काम नहीं कर रहा है। ऑडियो एम्पलीफिकेशन है, क्लियर स्पीकर यहाँ पे मिल जाएगा जो कि उस वाले पे नहीं मिलता था, उस वाले पे वैसे आपको जो है अदर से एमआई साउंड का ऐप ड्रॉयर पे मिल जाता था। बाकी अगर हम चले इसके डिस्प्ले की तरफ, तो डिस्प्ले के अंदर में आपको एक्स्ट्रा डिम मिल जाएगा जो कि एक्सेसिबिलिटी में हुआ करता था, तो यहाँ पे मूव कर दिया गया है, उस टाइम पे नहीं था। लॉक स्क्रीन के अंदर में यहाँ पे आपको ऑलवेज शो टाइम इन्फो मिल जाता है जो कि उस वाले पिछले वाले पे नहीं था, तो यहाँ पे आपको एक ही चेंज मिलता है कि आपका ऑलवेज शो टाइम इन्फो ऐड कर दिया गया और ये काम भी कर रहा है, यानी कि ऑलवेज ऑन बिल्कुल वर्किंग मिल जाता है यहाँ पे, जो कि उस टाइम पे पिछले अदर मेंटेनर वाले बिल्ड पे नहीं रहता था ये, लेकिन यहाँ पे अब मिल जाता है। बाकी का ऑप्शन यहाँ पे हमारा जैसे कि कलर भी हो गया, कलर भी आपको पहले भी मिलता था, तो ये भी अच्छे से काम कर रहा है, रोटेशन काम कर रहा है, टैप टू बैक काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कलर कैलिब्रेशन डिस्प्ले के लिए जो दिया गया है ये यहाँ पे मिल जाता है, नहीं उस टाइम पे नहीं था। टॉर्च की सेटिंग मिल जाती है, हालांकि उसमें भी अगर आप देखोगे तो एक तरीके से मिलता था ऐप ड्रॉयर के अंदर ये एडवांस कंट्रोल जिसमें टॉर्च और कलर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर मिलता है। एंड वॉलपेपर एंड स्टाइल आपको बिल्कुल सेम पहले की तरह मिलेगा, थीम आइकन का आप यूज़ कर सकते हो, ग्रिड भी मिल जाते हैं यहाँ पे, और वॉलपेपर वैसे बाय डिफॉल्ट ये वाला रहने वाला वही जो पहले भी था, तो आपको सेम मिलता है। हालांकि इसके वॉलपेपर ऐप भी आता है, तो उससे मैं यहाँ पे अप्लाई किया हूँ ये वाला। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सेसिबिलिटी सेम ही रहेगी। सिक्योरिटी के अंदर अब आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट मिलता है, पहले सिर्फ फिंगरप्रिंट था, लेकिन अभी जो है फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फिंगरप्रिंट दिखा देता हूँ, तो फिंगरप्रिंट अगर आप देखोगे बिल्कुल फास्ट और अच्छे से काम कर रहा है, बस यहाँ पे जो है इसका यानी कि इसका जो एनिमेशन है ऑफ रखना ज़्यादा बेटर है, बाकी फेस अनलॉक भी अच्छे से काम कर रहा है। तो वैसे तो फिलहाल यहाँ पे सिक्योरिटी पे भी ऐसे किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों अच्छे से काम कर रहा है। सिक्योरिटी के जो ऑप्शंस हैं सेम है, और इंक्रिप्शन भी आपका नॉट इंक्रिप्टेड ही रहेगा उसे तो। एंड डिजिटल वेलबिंग ये भी अच्छे से काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसी कोई दिक्कत किसी को फिलहाल नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और सिस्टम के अंदर में फिर अपडेटर दिया गया जो कि बिल्कुल भी हमारे काम का नहीं है, तो ये पूरी सेटिंग्स है जो कि इस रोम के अंदर हमें मिल जाती हैं। गूगल डिस्कवर काम करेगा, बस आप गूगल का ऐप इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से। और अगर हम स्टेटस बार की बात करें तो पिछले अपडेट में जैसे कि बोला था कि काफ़ी स्मूथ रोम है, उसी तरीके से अभी भी मिल जाता है, काफ़ी लाइट सा ही लैग मिलता है, हैवी बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मिलने वाला इसके अंदर लैग, स्क्रॉल करो तो भी अच्छे से जो है ये काम कर रहा है। अगर टाइल्स की बात करें तो AOD का टाइल और यहाँ पे डायरेक्ट साउंड का टाइल न्यू है जो कि उस टाइम पे नहीं मिलता था। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग सेम रहेगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो सिमिलर सी थोड़ी यहाँ पे लग रही, क्योंकि इसके अंदर भी आपको काफ़ी हल्के हल्के से लैग्स देखने को स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मिल जाते हैं, बिल्कुल ही तो नहीं बोल सकते, लेकिन हल्के हल्के आप देखोगे तो यहाँ पे वीडियो भी आपको पता चल रहा होगा कि हल्के फुल्के से लैग्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी ऐसे जो है स्क्रॉल स्क्रॉल करने पे काफ़ी अच्छा जो है काम कर रही है। और वॉल्यूम पैनल तो सेम ही रहेगा, जैसे कि ज़्यादातर सभी सेम है, सभी डिवाइस का ही देखोगे तो एंड्रॉइड 12। एंड यहाँ पे अगर हम ऐप ओपनिंग देखें तो ऐप ओपनिंग भी इसके अंदर काफ़ी स्मूथ ओपन होती है, बस थोड़े से हैवी अगर कोई एप्लीकेशन पड़ जाता है, कैमरे वैमरा जैसे जीके में ओपन करते तो उस समय थोड़ा सा लैग होता है। एंड यहाँ पे स्क्रॉल भी अच्छा है, बाकी आइकन पे टैप करने पे किल और स्प्लिट स्क्रीन मिल जाता है, लेकिन स्प्लिट स्क्रीन अगर हम यहाँ पे जैसे कि इस तरीके से स्लाइड करते हैं आप देख तो नीचे जो है ये स्पेस सा देखने को मिल रहा है, यानी कि आप इसे पूरी तरीके से ड्रैग कर लोगे उसके बाद ही एडजस्ट होता है, इंस्टेंट नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो है आप देखोगे तो किल भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर। फ्री फॉर्म इनेबल करना होगा तो डेवलपर ऑप्शन से आप इनेबल कर सकते हैं, बाकी नीचे क्लियर ऑल और स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाता है पहले की तरह। और कॉलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे वॉल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल का बग रहेगा, और ब्लूटूथ ऑडियो मीडिया और कॉलिंग दोनों पे यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए तो हालांकि मैं यहाँ पे इसका निक जी एप का बेसिक फ्लश के इसलिए गूगल डायलर आया है, अगर आप फ्लेम जी एप का बेसिक फ्लश करते हो तो उसके अंदर ASP डायलर मिल जाएगा, तो वहाँ पर जो है आपको कॉल रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं कैमरे की तरफ, तो कैमरा सेम है पिछले वाले का भी और अभी के इस
इसमें इंटरनेट का भी बिल्कुल सेम ही कैमरा है नॉर्मल। जीकेएम भी अच्छे से काम कर, बस स्लो मोशन को छोड़ दे तो पोर्ट्रेट मोड वीडियो रिकॉर्डिंग आराम से आप यहाँ पे कैप्चर कर पाओगे, क्लिक कर पाओगे, दिक्कत नहीं आती। हालांकि इसके अंदर हमें एफएम नहीं मिलता जो कि उस टाइम पे मिलता था, और यहाँ पे एडवांस कंट्रोल नहीं है जो कि आपको आप डिस्प्ले के अंदर ही मिल जाता है, डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन और टॉर्च का। बाकी इसके अंदर आपको जो है एमआई साउंड नहीं मिलता जो कि उसके अंदर अब इसकी इस वाले के अंदर यानी कि डायरेक्ट साउंड मिल जाता है साउंड के अंदर। बाकी एफएम नहीं मिलता, ओके गूगल का बग रहेगा। और यहाँ पर आपका जियो सावन बिल्कुल वर्किंग है, वर्किंग मिल जाता है, और यहाँ पे सुपीरियर का वॉलपेपर ऐप भी मिल जाता है, और वनीला बिल्ड के साथ ही आता है वो भी इसी तरह था। एंड प्ले स्टोर पहले वाले भी सर्टिफाइड था और अभी भी सर्टिफाइड ही मिलता है, हालांकि ये आपका सेम रहेगा। बैंकिंग ऐप जो है आप आराम से यूज़ कर सकते हो विदाउट रूट भी। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं विजेट्स की तरफ, तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे निक जी एप वाला फ्लैश किया हूँ बेसिक वाला, तो यहाँ पे क्लॉक गूगल वाली मिलती है, तो 5 क्लॉक विजेट्स भी मिल जाते हैं। एंटूटू स्कोर 104,000 मिला है यहाँ पे, और पिछले की बात करें तो 103,000 था, यानी कि ये भी बिल्कुल सेम आसपास ही देखने को सिमिलर सेम ही समझ सकते हो कि मिल रहा है। और अब चलते हैं गेम की तरफ, तो अब जैसे कि गेम स्पेस इसके अंदर ऐड किया गया, तो गेमिंग मोड भी यहाँ पे मिल जाता है जिसमें आप इन सभी ऑप्शंस को लॉक कर सकते हैं, और नीचे फिर परफॉर्मेंस लेवल भी सिलेक्ट करने के लिए दिया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी कि ग्राफिक की बात करें तो ग्राफिक इसके अंदर हमें स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे देखने को मिल जाता है, और बैलेंस पे मीडियम तक देखने को मिलेगा, जो कि उस टाइम पे स्मूथ एंड हाई था और बैलेंस एंड मीडियम था। यहाँ पे लेकिन स्मूथ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अनलॉक मिल जाता है ग्राफिक बाय डिफॉल्ट। एंड गेमिंग की अगर बात करें तो गेमिंग अगर इस रोम पे देखोगे एंड्रॉइड 12 रोम के हिसाब से नॉट 4 डिवाइस में, तो यहाँ पे आपको अच्छी बिल्कुल अच्छी वाली परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिल जाता है गेमिंग भी। हाँ बिल्कुल ही तगड़ी, मत समझना भाई नॉट 4 है, नॉट 4 डिवाइस अब अभी तक में इसकी जान बची हुई अभी तक, वही बहुत बड़ी बात है कि अभी तक जिंदा है। और इतने सारे जो है यहाँ पे इसके रोम्स देखने को मिल रहे हैं, इतने नोट 5 प्रो के लिए भी देखने को नहीं मिल रहे, प्रोजेक्ट आर के नए सब जो है देखने को नहीं मिल रहे नोट 5 प्रो के लिए, जो कि इसके अंदर हमें मिल जाते हैं काफ़ी सारे ऐसे रोम्स हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो है आपको काफ़ी सारे जो है देखने को मिल जाते हैं रोम्स फिलहाल एंड्रॉइड 12 के। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में जो पिछला सुपीरियर ओएस था उसके अंदर भी एनिमेशन काफ़ी अच्छे थे और इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे, और गेमिंग के मामले में भी सिमिलर ही है बिल्कुल। तो गेमिंग भी आपको अच्छी मिलती है, ख़राब बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। हाँ इसके अंदर आपको एफएम नहीं मिलता, उस वाले पे एफएम मिल रहा था उस पे काम करता था, इस पे एफएम ही नहीं है। बाकी यहाँ पे ओके गूगल का बग दोनों पे था, उस पे भी था और इस पे भी है। हालांकि यहाँ पे जो है जीएफ के बारे में जैसे कि बताया कि यहाँ पे मैं निक जीएफ का बेसिक फ्लस किया, इसलिए गूगल वाली चीज़ें ज़्यादा मिल रही है, जैसे कि जीएफ इंक्लूडेड वाले रोम्स होते हैं उस टाइप से यहाँ पे मिल रहा है, गूगल के यहाँ पे डायलर ये सब मिला है। अगर आप फ्लस करना चाहते तो मैं डिस्क्रिप्शन पर निक जीएफ ही दूंगा, जो मैं यूज़ किया वो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। बाकी अगर आपको चाहिए होगा तो आप जो है उसको फ्लेम जीएफ को कर लेना, किसी को दिक्कत होगा तो टेलीग्राम पर भी डीएम कर सकते हो, तो वहाँ पे जो है दे दूंगा। तो वहाँ पे जो है अगर आप फ्लेम जीएफ का बेसिक फ्लस करते हो तो फिर आपको एसपी वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको गूगल डायलर आपका जो डायलर मेरा यहाँ पे गूगल डायलर है वहाँ पे फिर आपका जो है एसपी मिल जाएगा, जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो ये थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं बेसिक अगर आप फ्लेम जीएफ फ्लस करोगे और निक जीएफ बेसिक में। तो मैं यहाँ पे निक जीएफ बेसिक फ्लस किया हूँ, बाकी इंस्टॉलेशन आप देख लेना सेम इंस्टॉलेशन रहने वाला है, बस यहाँ पे जीएफ आप अपने हिसाब से फ्लस कर लेना जैसा भी आपको चाहिए होगा, एंड इंस्टॉलेशन आप पहले वाली वीडियो पर ही देख लेना। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर में, और कुछ पूछना होगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स for watching.